अभी जाते हैं। ये लो माले आया। इतना जल्दी आ गया? हरामखोर, ये किसे ले आया तू? अरे माँ, आपने ही तो बोला था जाओ जंगल से लड़की लेके आओ। मैं लेके आ गया। मैंने लड़की नहीं, लकड़ी बोला था, लकड़ी। अच्छा, अभी लाते हैं। चल डार्लिंग। ये लो माँ, लेके आ गया। इतना जल्दी आ गया? अब ये क्या ले आया तू? बकरी। अरे हराम खोर, बकरी नहीं, लकड़ी लाने बोले तो लकड़ी। क्या लकड़ी? लकड़ी लाना था, लकड़ी। क्या लकड़ी लाना था? लकड़ी। जा जंगल से लकड़ी ले गया। अच्छा, लकड़ी लाना है। पहले बोलना चाहिए था ना, कभी बोलती है बकरी लेके आओ, कभी बोलती है लड़की लेके आओ। अभी जाते हैं और लकड़ी लेके आते हैं, लकड़ी। तो भाई किधर जा रहा है? वो जंगल तरफ जा रहे हैं। आज मत जा, आज बहुत तेज बारिश होने वाला है, कल जाना। अच्छा भाई, तुम उन्हीं लोगों में से हो ना जो हर जगह अपना राय देने पहुंच जाते हैं, जिन्हें बस ज्ञान बांटना होता है। हाँ तो वेस्ट क्यों जाने दे, बांटते रहेंगे दुनिया को। हाँ आई नो, तेरे से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बोलना आता है कि इंडिया मैच जीतेगी या नहीं, आज बारिश होगी या नहीं, तो ऐसा ज्ञान प्रोवो पे दो ना। प्रोवो ये क्या है? प्रोवो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम ये ज्ञान बांट सकता है और तौर प्रॉफिट भी बना सकता है, सिर्फ हाँ या ना में अपना ओपिनियन देकर। मान लो आपका इंटरेस्ट जो भी है, क्रिकेट है, फाइनेंस है, यूट्यूब है, यहाँ तक कि मौसम है, सिंपली आप एस या नो में जवाब दो और सही होने पर कन्फर्म पैसे कमाओ। ट्रस्टेड ऐप है क्या ये? बिल्कुल भाई, प्रोवो को 60 लाख से भी ज़्यादा लोग यूज करते हैं और रोज अपना ओपिनियन का सही इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही ऐप है भाई, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं? इसे यूज करना बहुत आसान है। रुको, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ और इस पर अपना ओपिनियन कैसे सबमिट करते हैं वो दिखाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, ब्रह्मास्त्र मूवी हिट होगी? भाई मुझे लगता है यस, 400 करोड़ रुपये की बजट में मूवी बनी है, हिट तो बिल्कुल जाएगी। लो मैं यस कर देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्रिकेट मैच का एक सवाल दिखाता हूँ। हाँ क्रिकेट का भी दिखाओ भाई, उसमें तो पैसे कमाना बहुत ही आसान है, उसमें मेरे सारे ओपिनियन सही मिलते हैं। क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फर्स्ट T20 मैच जीत पाएगी? भाई इंडिया एशिया ट्रॉफी में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, बट मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ जीत जाएगी, इसमें भी यस कर दो। ओके, और अगर तुम अपने ओपिनियन पर श्योर हो तो इसमें तुम क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। भाई लेकिन जीतने के बाद पैसे विड्रॉ कैसे होंगे? पैसे ऐड करना और विड्रॉ करना बहुत ही आसान है, आप गूगल पे, पेटीएम कार्ड, किसी भी माध्यम से अपने जीते हुए पैसे निकाल सकते हो। ये तो बहुत सही ऐप के बारे में बता दिया भाई आपने, अब मेरा ओपिनियन कभी खराब नहीं जाएगा। तो आप लोग भी जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो प्रोवो ऐप। आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा अप टू 25 रुपीज। डाउनलोड करो प्रोवो ऐप। अरे क्या हुआ, तुम लोग इतना खुश क्यों हैं? आज का मौसम देखो कितना अच्छा है, लगता है बारिश होने वाला है। अच्छा, ये तो सच में खुशी वाला बात है, लगाओ गाना, नाचो। सबको छिप जाओ, लगता है कोई इंसान आ रहा है। कौन है बे? यहाँ चुम्मा चाटी करने का जगह है, चलो निकलो यहाँ से, ये सब घर में जाके करना। चलो आजकल पेड़ पौधे बोलने लगा है, चल डालो उधर। और भाई कहाँ जा रहा है? जंगल जा रहे हैं लकड़ी लाने। हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा चलो फिर। चलो
रुको, कौन है बे? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। पेड़? हाँ बोलो। मत काटो मुझे, मेरे अंदर भी जान है, मुझे भी दर्द होता है। ये लो दर्द का दवा खाओ, हम तो काटेंगे। ये लो माँ, लकड़ी लेके आ गया। अरे मेरा कुल्हाड़ी कहाँ गया? अरे यार लगता है जंगल में छोड़ दिए, फिर से जंगल जाना पड़ेगा। अरे अभी तू जंगल से आया फिर से जंगल जा रहा है? अरे यार मेरा कुल्हाड़ी जंगल में छूट गया है, वही लाने जा रहे हैं। रुको यार, ये जंगल बहुत खतरनाक है, मैं भी साथ में चलता हूँ। चलो लगता है पुराना जमाना की किताब है, चलो इसे खोल के देखते हैं। ये क्या लिखा है? दूध पिलाओ सांप को, एक थप्पड़ मारो अपने आप को। अबे साले अपने आप को मारना है। मैं किताब से बाहर आ गया, मैं आजाद हो गया, अब करेंगे मौज मस्ती पारी सारी। या बताओ किसने खोला ये किताब? मैंने खोला है। आपने खोला ये किताब? बताइए आपका क्या सेवा करें जनाब? सेवा वो बाद में, पहले ये बताइए आप है कौन? मैं हूँ डॉन, छोटा डॉन, किताब से निकला डॉन, मैं हूँ डॉन। अच्छा वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चंपक लाल। लाल? लेकिन आपका कलर तो नीला है। नीला है तो क्या हुआ बच्चू, मेरा चड्डी लाल है, बोले तो खोल के दिखाऊं? नहीं, खोलिए मत, समझ गए। आपने खोला ये किताब, इसलिए आज से 5 दिन तक आपको हर एक इच्छा पूरा करेंगे। बताइए आपका इच्छा क्या है? हाँ तो हमें चाहिए एक BMW कार, साथ में एक लड़की जो हमसे करे प्यार, रात भर करेंगे मौज मस्ती, फिर सुबह हो जाएंगे फरार। फिर दूसरे दिन चाहिए हमको BMW कार और साथ में एक दूसरी लड़की जो हमसे करे प्यार, बस इतना कर दीजिए। अबे साले यहाँ गड़बड़ हो रहा है हिसाब में, कुछ अच्छा चीज मांगो नहीं तो घुस जाएंगे किताब में। नहीं, घुसिए मत, अभी अच्छा चीज मांग रहे हैं। तो आप हमें दे दीजिए एक सोने का महल, उसमें एक सुंदर सी रानी, रात भर करेंगे मौज मस्ती, फिर खत्म कहानी, बस इतना कर दीजिए। अबे ये मौज मस्ती के अलावा कुछ सोचता नहीं है, कुछ अच्छा चीज मांगो, ये सब संभव नहीं है। अच्छा तो एक काम कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं और मेरी माँ मिट्टी के घर में रहते हैं, इसलिए आप मेरी माँ के लिए घर दे दीजिए। हाँ ये हुई ना बात, अभी आपका इच्छा पूरा करते हैं। टाइल्स वाला दीजिएगा। मैंने ले लिया इसका परीक्षा, जल्दी से पूरा कर दे इसका इच्छा। एक बार फिर। मैंने ले लिया इसका परीक्षा, जल्दी से पूरा कर दे इसका इच्छा। अरे एक बार। मैंने ले लिया इसका परीक्षा, इसका पूरा क्यों नहीं हो रहा इच्छा? जरूर कुछ गड़बड़ है, अभी पता करते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लो खाओ दाल और भात, और बता मुझे एक बात, क्या तूने कोई पेड़ काटा है? पेड़? नहीं तो मैंने पेड़ कहाँ काटा है, मैंने पेड़ काटा ही नहीं है। चाय पिलाऊं या पिलाऊं तुझे पानी, आजा तुझे दिखाऊं जंगल की कहानी। रुको, कौन है बे? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। पेड़? हाँ बोलो। मत काटो मुझे, मेरे अंदर भी जान है, मुझे भी दर्द होता है। ये लो दर्द का दवा खाओ, हम तो काटेंगे। तूने मुझसे झूठ बोला है, तूने पेड़ को काटा है, इसलिए तुम्हारा इच्छा पूरा नहीं हो रहा है। अगर अपना इच्छा पूरा करना चाहता है
तो 100 पेड़ लगाना होगा और जो भी पेड़ काटेगा उसको रोकना होगा, तब जाके तुम्हारा इच्छा पूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल रोकेंगे। चलो पहले पेड़ लगाते हैं। पेड़ तो लगा लिए, अब चलो जंगल, जो जो पेड़ काटेगा उसको रोकना है। चलो चलो। आह, अरे भाई क्या हुआ? अबे पेट बहुत दर्द दे रहा है भाई। पेट दर्द दे रहा है? हाँ। कैसे? लगता सुबह से कुछ खाए नहीं इसलिए पेट दर्द दे रहा है। चलो पहले खा लेते भाई। लेकिन अब इस जंगल में खाना कहाँ से लाएं? अबे वो नीले आदमी से मांगू ना, वो जादू से निकाल के देगा। हाँ सही बात, अभी मांगते हैं। दूध पिलाओ सांप को, एक थप्पड़ मारो अपने आप को। आपने खोला ये किताब, बताइए आपको क्या सेवा करें जनाब? बहुत जोर से भूख लगा है, पहले आप मेरे लिए खाना मंगाइए। अभी मंगाते हैं। हाँ तो बताइए, मंगाए इडली या डोसा या मंगाए चार पांच समोसा? समोसा 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 मंगाइए। अभी मंगाते हैं चार पांच समोसा। क्या आपके पास है पैसा? पैसा? हाँ 20 रुपया है 20 रुपया है। तो साले पहले 20 रुपया के जाके खाओ ना। लेकिन आप तो बोले थे कि मेरा हर एक इच्छा पूरा करेंगे। करेंगे, लेकिन तुम पहले अपना काम पूरा करो। जाओ जो जो पेड़ काट रहा है उसको जाके रोको। वो तुम्हें भूल गया था। सुना, अगर खाना है समोसा तो चलो जो जो पेड़ काटता है उसको मारेंगे चार पांच घूसा। चलो चलो। रुक जाओ, पेड़ काटना बंद करो। बंद करें? लेकिन इससे पहले तो अभी खुद काट के ले गया और हमको मना कर रहा है। इससे पहले हमको पता नहीं था पेड़ हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है, इसलिए आज के बाद कोई पेड़ नहीं काटेगा। कैसे नहीं काटेंगे, हम तो काटेंगे। काटो रे। अब पेड़ कोई नहीं काटेगा। दूध पिलाओ सांप को, एक थप्पड़ मारो अपने आप को। मैंने अपना काम पूरा किया है, अब आप मेरा इच्छा पूरा कीजिए। अभी कहां बच्चों, उधर देखो।
ये लोकेशन मस्त है फैक्ट्री के लिए। यहाँ जितना भी पेड़ दिख रहा है सबको हटा दो, यहाँ फैक्ट्री बनेगा। रुक जाओ, यहाँ फैक्ट्री नहीं बनेगा। ऐसे कैसे नहीं बनेगा? फैक्ट्री बनाने के लिए और भी बहुत सारा जगह है, आप यहाँ फैक्ट्री क्यों बनाना चाहते हैं? यहाँ फैक्ट्री नहीं बनेगा। एक बार जो हम डिसाइड कर लिए वो हम करके छोड़ते हैं। यहाँ फैक्ट्री बनेगा और जो भी रास्ते में आएगा उसको हटा दिया जाएगा, अब चाहे ये पेड़ हो या तुम। मारो साले को। दूध पिलाओ सांप को, एक थप्पड़ मारो अपने आप को। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।